चलो जार खुल जाओ, मुझे न्यूटेला चाहिए। ओ नहीं, ये न्यूटेला का मेरा एकमात्र जार था, मैं क्या खाऊंगी। ओ वहाँ कौन उड़ रहा है? हेलो बेबी जेस, मैंने भूख से रोने की आवाज सुनी और तुरंत उड़कर अपने चॉकलेट फैक्ट्री का सबसे स्वादिष्ट चॉकलेट बार देने का फैसला किया। लैंडिंग सही है, बलून का धन्यवाद जिसने हमें यहाँ पहुँचने में मदद की, और यहाँ आपका चॉकलेट बार है। वाह दादी, देखा आपने, ये एक विशाल चॉकलेट बार है, और मुझे पता है ये हमारे कुकिंग चैलेंज का समय है। वाह आपके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आइए जाने की बेबी जेस किस तरह की चॉकलेट डिश चाहती है। वाह उसे एक बर्गर चाहिए, चलो उसे उसके जीवन का सबसे स्वादिष्ट बर्गर खिलाओ। मैं देख रही हूँ कि विली वोंका के पास पहले से शानदार आइडिया है, जब पूरी चॉकलेट फैक्ट्री हो तो चॉकलेट डिशेस बनाना आसान होता है। कमेंट्स में लिखिए कि क्या आप विली वोंका के चॉकलेट फैक्ट्री को देखना जाना चाहते हैं, या चॉकलेट फाउंटेन अद्भुत लग रहा है। ओह मैं वास्तव में सब कुछ न केवल स्वादिष्ट बल्कि हाई क्वालिटी के बनाने की कोशिश करता हूँ। सभी चॉकलेट प्राकृतिक दूध के आधार पर बनाए जाते हैं, लेकिन मेरे फैक्ट्री में वे साधारण नहीं बल्कि चॉकलेट होते हैं, इसलिए मेरी चॉकलेट की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। जरा इसे देखो, यह एकदम सही है, और मैं चॉकलेट आलू भी काट सकता हूँ, देखो। और यह बिल्कुल चीज की तरह लगेगा, लेकिन ये चॉकलेट के होते हैं। और मुझे क्या करना चाहिए? ओ हाँ, सबसे पहले हमें बर्गर को थोड़ा गर्म करना होगा। मुझे लगता है कि हम टोस्टर में बंस और इस अद्भुत कटलेट को डाल देंगे, और अब हम हमारे खाने का बाहर खोद कर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ ओह चलो, उफ समय निकल रहा है, हमें जल्द ही बर्गर तैयार करने की जरूरत है। ओह और यहाँ मेरा बर्गर है, मैं इसे पकड़ रही हूँ। हुर्रे, मैंने तीन में से दो को पकड़ा, और अब बन को बड़े शानदार तरीके से गिरना चाहिए। अरे बन कहाँ है? तुम कहाँ फंस गए हो? लगता है कहीं खो गया है। खैर कोई बात नहीं, मैं बहुत सारे अलग अलग फिलिंग डाल दूंगी, मेरी बहन जेस को ये सारी चीजें बहुत पसंद है, और मैं केचप भी डालूंगी। ओह बढ़िया, आउच, उफ ये ठीक मेरे सिर के ऊपर गिरा। ओह लेकिन मेरे पास एक टॉप बन है, आपको क्या लगता है? ओह और चॉकलेट कहाँ है? ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं अपने चॉकलेट बर्गर पर अपना सिग्नेचर स्ट्रॉबेरी सिरप डालने जा रहा हूँ, जिसे मेरे ओम्बा लूम्पास द्वारा डाला गया है। इसका स्वाद कमाल का है, और ये गमी निश्चित रूप से अधिक मिठास और सुंदरता जोड़ देंगे। पर किसी चीज की कमी है। ओह सीधे मेरे हैट में टक्कर, लेकिन मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया है, मुझे अपने बर्गर को 100 गुना स्वादिष्ट बनाने के लिए और चॉकलेट चिप्स मिलाना होगा। वाव देखो जरा इसे, कितना अच्छा लग रहा है। वाव और अब हम चॉकलेट बन के साथ सब कुछ कवर करते हैं। अब यह चॉकलेट बन गया, और दादी क्या कर रही है? मेरा सब कुछ बहुत ही हेल्दी होगा, तुम्हारी बर्गर पहले से ही जंक फूड है, और चॉकलेट बर्गर और भी अधिक, इसलिए मैं अपने बगीचे में पाए जाने वाले सभी फलों से बर्गर बनाऊंगी। मुझे बस सभी फलों को काटने की जरूरत है, ताकि मैं एक सुंदर और जूसी बर्गर बना सकूं। बेबी जेस को यह जरूर पसंद आएगा। मैं कुछ शहद, फल और ताजा पुदीने के कुछ पत्ते जोड़ना नहीं भूलूंगी। हाँ ऐसे देखो, और अब हम ऊपर से और भी अधिक शहद रख सकते हैं। हम एक सेब के साथ सब कुछ बंद कर देते हैं। हाँ जेस अब तुम इसे चख सकती हो। क्या? OMG, बहुत बढ़िया। यह क्या है? यह बर्गर बोरिंग लग रहा है, वैसे बिल्कुल नहीं जैसा मैं चाहती थी। यह बर्गर किसी हाल में बेस्ट नहीं हो सकता। और मेरी बहन ने क्या बनाया है? वाव यहाँ वह सब कुछ है जो मुझे बहुत पसंद है। वाव कितना स्वादिष्ट, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। और विली वोंका ने क्या बनाया है? वाव यह एक चॉकलेट बर्गर है। ओह यार मैं बहुत खुश हूँ, अब तक मैंने केवल अपने सपनों में ही चॉकलेट बर्गर देखा है, और अब मैं इसे असल में खा सकती हूँ। ओह यह बर्गर पक्का जीत के लायक है, क्योंकि इसने मेरा सपना पूरा किया। क्या? मैं विश्वास नहीं हो रहा, मैं अपने लिए बहुत खुश हूँ। नैन्सी दादी, मेरे लिए आपके पास सरप्राइज है, मेरा सिग्नेचर चॉकलेट।
आइए जाने कि बेबी जेस अब क्या चाहती है। ओ, उसे एक केक चाहिए, तो चलो अपना बेस्ट दो। केक बनाने में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मुझे पता है कि मेरी पोती जेस को किस तरह का केक पसंद है। अब मैं अपने बेरीज से जेली केक बनाने जा रही हूँ। हमें बस जेली बनाने की जरूरत है। वाव। चलो अब हम इसे मोल्ड में डालते हैं और अब चलो कुछ बेरीज डालेंगे। ये बहुत ताजी है, जितना ज्यादा उतना अच्छा और उतना हेल्दी भी। ओह दादी, क्या आप थोड़ा सावधान रह सकती हैं? मेरा चॉकलेट सूट पिघल रहा है। ओह मुझे माफ करना बच्चे, दादी को कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। ओह ओह, मेरा चश्मा कहाँ है? मैंने उसे कहीं गिरा दिया। मैं उनके बिना कुछ भी नहीं देख सकती। ओह वो कहाँ चला गया? ओह अच्छा है कि मैं फैक्ट्री से चॉकलेट चश्मा अपने साथ ले आया था। मैं इसे दादी को देने जा रहा हूँ। ओह धन्यवाद। और बिली बोंग का क्या कर रहा है? मेरे पास चॉकलेट फैक्ट्री से लाया हुआ एक संदूक है जिसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। मेरा खजाना यहाँ छिपा है, मेरे सिग्नेचर रेसिपी के अनुसार चॉकलेट सिरप। जेस को ये जरूर पसंद आएगा। हेमिस्फीयर बनाने के लिए हमें केवल इसे गोल आकार में डालना होगा। क्या सब कुछ जम भी गया? वाव। और अब चलो बहुत सारे स्वादिष्ट चॉकलेट को अंदर डालते हैं जो मेरी टोपी के नीचे छुपा हुआ है। हाँ, मुझे इस तरह के भार को जल्द से जल्द उतारना होगा, नहीं तो इतने चॉकलेट को अपने सिर पर रखना कठिन है। और अब दूसरे आधे गोल टुकड़े से सब कुछ कवर करते हैं और अब ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप भर देंगे। वाव, चलो अब इस पर शानदार कुछ लिखते हैं ताकि बेबी तुरंत समझ जाए कि वो किसका केक है। और यहाँ एक चॉकलेट विक है। हुर्रे, सब कुछ तैयार है। वाव, यहाँ अभी भी बहुत सारे चॉकलेट्स हैं। मैं यह खाना चाहती हूँ। ओ नहीं, अच्छा माफ करना, मैं बस देखना चाह रही थी। तुम्हें चाहिए तो ले लो, मैं वह हूँ जो बच्चों के लिए चॉकलेट बनाता हूँ। ओ कितना अच्छा, यहाँ इतनी सारी चीजें हैं कि मुझे यह भी नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। हालांकि मुझे पता है कि मैं एक अच्छा केक पाने के लिए सभी रंगों की चॉकलेट लेना पसंद करूंगी। मैं अभी चॉकलेट केक बनाने जा रही हूँ। जेस ने पक्का ऐसा केक कभी नहीं खाया होगा। यहाँ थोड़ा, यहाँ और इधर एक। वाह, ये बहुत अच्छा है। क्या मैं सच में चॉकलेट केक बना रही हूँ? लेकिन किसी चीज की कमी है। तुम्हें एक चाल दिखाऊं? और यार आइसक्रीम तुम्हारे लिए है। वाह विली वोंका, आप एक जादूगर हो, मुझे यही चाहिए था। ये बहुत स्वादिष्ट है। ओ यह असल में केक के लिए है। ओह तो यह आपने मुझे नहीं बल्कि मेरे केक के लिए दिया था, और मुझे लगा कि यह मेरा है। चलो इससे मैं केक को सजाती हूँ और उस पर से स्ट्रॉबेरी सिरप। वाह, आप सबसे अच्छे कैंडी एक्सपर्ट है, मुझसे भी अच्छे। ओ यह कैसी आवाज है? दादी आप क्या कर रही हैं? सब ठीक है बेटा, मैं अपने जेली केक को इस भयानक सांचे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। हुर्रे, हो गया। अब केवल बेरीज स्ट्रॉबेरीज के साथ सब कुछ सजाना बचा है और अब इसे जेस को दे सकते हैं। उसे जरूर बहुत भूख लगी होगी। हाँ बॉन एपिटीट। वाओ कितना सुंदर। मैं बेरीज के साथ इस जेली केक को शुरू करूंगी। वाओ इसकी खुशबू कुछ अलग तरह की है, लेकिन इसका स्वाद कैसा है? बुरा नहीं है। अरे मेरे केक के अंदर क्या है? यह नहीं हो सकता, दादी का चश्मा। दादी आपने चश्मा मेरे केक में गिरा दिया था। यह घिनौना है। क्या ये कैसा चश्मा है? एक मिनट रुको, मैंने अपना चश्मा पहन रखा है। यह मायने नहीं रखता क्योंकि मैंने चश्मे के साथ वाले केक को खाया है। मैं अब और नहीं चाहती। और यहाँ क्या है? वाओ एक आइसक्रीम कोन। यम्मी, हालांकि आइसक्रीम से भी ज्यादा सुंदर है। मुझे तुरंत इस चॉकलेट को खाकर देखना है। वाओ और केक कैसा है? वाओ ये तो और भी अच्छा है। वाओ बहुत ही स्वादिष्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो देखिए अब आगे क्या है। ओ ये बुझ क्यों नहीं रहा है? अरे अरे नहीं। ओ माफ करना जेस, लेकिन ये कैंडी बॉम है। ओह लगता है मैं ठीक हूँ। वाओ सुपर, चलो देखते हैं इस कैंडी का स्वाद कैसा है। ओह अद्भुत, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन मैं किसे चुनूं? बहन का केक जीत रहा है। वाह मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जीतूंगी। कितना अच्छा, ये मेरी पहली जीत है। चलो डांस करें।
आशा है आपको आज की चुनौती पसंद आई होगी। फिर वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नए वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं दोस्तों।